स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्लू इंग्लिश स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू डारविज थेरी ऑफ यूल्यूशन ओके ये जो डारविज थेरी ऑफ यूल्यूशन है वो आपने पहले भी आ, सुनी होगी अ ग्रेट साइंटिस्ट डारविन ओके तो ये जो साइंटिस्ट है ना बच्चों इन्हों के बारे में मैं थोड़े आ, थोड़ी सी पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ ओके अट्ठारह सौ फिफ्टी एट में ओके अठारह सौ में डार्विन ने ये जो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन है ना उसको दुनिया के सामने रखा था ओके okay? इस थ्योरी में कहा गया था उसने ये कहा था कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे एक ही जैसे थे ओके okay? ये जो प्रजाति है उनके जो पौधे थे एक ही जैसे थे लेकिन दुनिया के अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने के संघर्ष में संघर्ष के चलते उनकी जो रचना है उनमें बदलाव होता गया इस वजह से एक ही जाति के जो जो भी पौधे थे वही कई प्रजातियों बन गए यानी कि अपना अस्तित्व टिका रहने के लिए कुछ प्रजातियां हैं उन्होंने आप में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदल किए इसीलिए वो प्रजातियां बन गई ये कहती है डारविंस थेरी ऑफ इवाल्यूशन तो आपको बेसिक समझ में आ गया ये डारविंस क्या है साइंटिस्ट है और उसने ये थ्योरी क्रिएट की है तो देखो चार्ल्स डार्विन ये नाम उसका बायोलॉजिस्ट ये बायोलॉजिस्ट है ओके स्टडी न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर सजेस्टेड डैट दैट ओनली ऑर्गेनिज्म आर लाइक टू सरवाइवल विच कैन बी बेस्ट अडेप्टिम सेल टू अ चेंजिंग इन्वायरमेंट ये जो चेंज इन्वायरमेंट है उसमें अपना अस्तित्व टिका रहने के लिए दिस इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ टेस्ट यानी सबसे उपयुक्त है ओके दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ये था Darvest का फर्स्ट प्रिंसिपल। इफ एन बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कुछ ना कुछ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टर लेके जो पैदा होता है बॉर्न होता है इट इज एबल टू सर्वाइव ओके इट इज़ एबल टू सर्वाइव दिस चेंजेस इज प्लीज हो इन द नेक्स्ट जनरेशन ये जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं एड होते रहते हैं ओके दिस इज़ द डारविन सेकेंड प्रिंसिपल ये है सेकेंड प्रिंसिपल और इसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन ये सब नेचुरल प्रोसेस है तो इसे नेचुरल सिलेक्शन उसने कहा यह था डारविन का फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल और यह डारविन वॉल्यूशन थियरी क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दी अभी आपका जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या क्या दिया है देखो देखते हैं चलो लेटेस्ट रिकॉल अभी आपको याद करना है आपने ऑलरेडी सीखा है इसके बारे में तो हम इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है सीखने को वो देखते हैं व्हाट आर लिविंग थिंग्स क्लासीफाई ये जो लिविंग थिंग्स है ये आ, क्यों क्लासिफाई किए गए वाह क्योंकि हर एक के न्यू न्यू जनरेशन में कुछ चेंजेस आ गए राइट और जो भी है उसमें बहुत सारे क्या हो गए हमने क्या कहा अभी प्लांट्स है उनके भी बहुत सारे क्या हो गए भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनके बहुत सारे प्रजातियाँ बन गई तो इसी की वजह से तो क्लासिफाई हो गए विच आर द क्राइटेरिया यूज क्लासिफिकेशन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है बच्चों जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कर सकता है ओके okay. किसके निकष के अनुसार यह हम प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओके इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द रिमेम्बर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम ओके ये सब ऑर्गेनिजम है इनको याद रखना उनकी स्टडी करना ओके एंड डाइवर्स द लिविंग वर्ल्ड यानी कि ये जो विभिन्न है ना विभिन्न लिविंग वर्ल्ड ओके यानी कि विभिन्न सजीव सृष्टि वर्ल्ड की इसे याद रखना सेम टाइम में ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट तो कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है डिफरेंट साइंटिस्ट है डिफरेंट कै ये डिफिकल्ट है इसलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया डिफरेंट क्राइटेरिया ओके डिफरेंट निकष निकाले एंड इंडिपेंडेंटली क्लासीफाई प्लांट एंड एनिमल और उनको इंडिपेंडेंटली क्या किया क्लासीफाई किया प्लांट और एनिमल में और हिरार इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन अभी हा दिस इज दिस वर्ट इज न्यू तो इसे क्या कहा जाता है यानी कि श्रेणीबद्ध कहा जाता है और निम्न और उच्चक्रम अधिक्रम ऐसा इसका मीनिंग तो दैट स्टार्ट विद द किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी ओके फॉर द ग्रुप एंड सब ग्रुप आर फॉर्म इससे क्या हो गए ग्रुप एंड सब ग्रुप फॉर्म हो गए डिपेंड अपॉन द बेसिक सिमिलैरिटी ये किस पर डिपेंड था इनमें जो बेसिक सिमिलैरिटीज है डिफ्रेंसेस है इन पर और ये सब मिला के उसे कहा गया हिरैच ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ देखो हिरैच यानी कि श्रेणीबद्ध ओके देखो यहाँ किंगडम फाइम क्लास ऑर्डर उसकी फैमिली क्या है जीनस क्या है स्पेसिम क्या ये ऐसे क्या किए उन्होंने आ, अनुक्रम बनाए श्रेणीबद्ध क्या के अध अधिक्रम दिए यह हुआ प्लांट के बारे में यह हुआ एनिमल के बारे में देखो किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया फाइलम एंथोफिया फाइलम कॉर्डाटा दा, क्लास डाइकोटन क्लास यह एनिमल के बारे में दिया फैमिली देखो जीनस स्पेसिस अभी आपको कुछ यहाँ क्वेश्चन आराइज होंगे राइट स्पेसिस यानी कि क्या होता है जाति उपजाति जीनस यानी कि क्या श्रेणी कौन सी है फैमिली तो आपको पता है ऑर्डर तो पता है क्लास पता है ओके okay? ऐसे क्या किया उन्होंने क्लासिफिकेशन किया प्लांट और आ, किसका ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल का तो देखो यहां बाइनोमियल नॉमेंचर लीनियस बाइनोमियल नॉमेंक्लेचर यानी कि क्या है इसका नाम किया ओके जो बाइनोमियल साइंटिफिक नाम किया ये है इस द्वारा लीनियस तो इसमें क्या दिया है देखो इमेजिन दैट अगर आप कंसीडर करो इमेजिनेशन करो देयर आर फोर स्टूडेंट विथ अ नेम ऑफ कबीर और किरण अगर एक ही नाम के कबीर या किरण नाम के हमारे क्लास में अगर फोर स्टूडेंट हैं ओके इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम अगर आपको उसमें से एक एक के साथ बात करनी है हाउ वल यू इंश्योर दैट ऑर्डर बाकी के इंश्योर रहेंगे क्या ना किसको इसने किसको बोला है तो हमें पता नहीं आता ओके वन ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एनी कन्फ्यूज वी विल टेल फुल नेम दैट इज द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या कर सकते अगर फुल नेम से या लास्ट नेम से बोल सकते हैं दिस इज सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेंक्लेचर ये क्या है सिमिलर है बाइनोमियल नोमेंक्लेचर तो ये बाइनोमियल नोमक्लेचर क्या है देखो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई इच ऑर्गेनिज्म हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए बाइनोमियल नोमक्लेचर का यूज किया जाता है अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन टू इच ऑर्गेनिज्म जो भी साइंटिफिक नेम है हर ऑर्गेनिज्म का असाइन किया जाता है इट कंसिस्ट टू पार्ट इसमें दो पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट है जीनस अभी जीनस क्या होता है मैंने आपको बताया यानी कि श्रेणी ओके okay? एंड सेकंड इज स्पेसिस स्पेसिस यानी जाति उपजाति कहा जाता है ऑल आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन असाइन अ बायोनियल नेम और पर द गाइडलाइन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेंट ये नॉमिट का इंटरनेशनल कोड भी दिया जाता है ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिस आर ऑल सिमिलर इन ऑफ डिफरेंसेस ऑल ऑर्गेनिजम सिमिलर इसमें डिफरेंस क्या है इनकी कलर में है हाइट में है हैबिटेट में है हैबिट्स में है दे आर रिप्रोड्यूस अमोंग द थीम सेल ओके अपने आप क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल लाइक थीम सेल और उसके जैसा ही और दूसरा बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है और डोमेस्टिक कैट जो पालतू कैट है इन द वर्ल्ड बिलोंग द सेम स्पेसीज ओके ये क्या करती है बिलोंग द सेम स्पेसीज द सेम इज ट्रू इन द का केस ऑफ एनिमल लाइक हैंन काउ डॉग एक्सेट्रा ये सब जो एनिमल्स है ये उससे खुद से ही दूसरा अपने जैसा क्या करते हैं बनाते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट लाइक मैंगो को पेड़ को मैंगो के पेड़ से अगर हम मैंगो को बोया बोएंगे तो हमें मैंगो का प्लांट आएगा वीट भी वैसा है मैजा एक्सेट्रा ये जो है खुद के जैसा ही रिड्यूस करते हैं नाउ फॉलोइंग आर यहाँ देखो क्या दिया आपको फॉलोइंग्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइन फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड एनीमेलिया क्लासीफाई बाई दोमिक्लेचर ये जो किंगडम प्लांटी है एनिमेलिया है यह क्लासीफाई करने का बाइनोमियल मेथड ऑफ नॉमिक्लेचर कैसा है देखो लिविंग थिंग्स है डॉग तो स्पेसिफिक नेम क्या हुआ कैन स्लैपचुपेमिलियस काउ है बॉस टोट हेबिस्कस हेबिसकस रोसा सिनेसिस जवार है सोर्गम बायकोल इज द साइंटिफिक नेम फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स प्लांट इन अवर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन द क्लास अभी आपको क्या करना है यहाँ देखो आपको यहाँ टू आ, एनिमल के बारे में और टू प्लांट के बारे में उनके साइंटिफिक नाम दिए तो उन्होंने कहा कि आपके सराउंडिंग में ऐसे एनिमल प्लांट को आप क्या करो ऑब्जर्व करो और उनके जो भी साइंटिफिक नेम है वो सर्च करो और उनकी इन्फॉर्मेशन क्या करो इंफॉर्मेशन यानी कि साइंटिफिक नेम कलेक्ट करो ओके okay? तो देहाँ uh, यहाँ देखो आपको फ्रॉग दिख रहा है कि नहीं और इस फ्रॉग के बारे में आपको यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दे? यह देखो ट्वेंटी नाइन्थ अप्रिल इज़ ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे जो ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल है ये फ्रॉक प्रोटेक्शन डे क्या प्रोटेक्शन डे जो है वर्ल्ड का फ्रॉक प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओके तो बच्चों ये जो फ्रॉग है ऐसे हर एक की इस इन्वायरमेंट में क्या अपने अपनी जगह पर जरूरत रहती है ओके okay? तो उनको धोखा नहीं होना चाहिए ओके okay? तो उनका क्या करना चाहिए कन्जर्व करना चाहिए उनका उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए इसलिए ये जो डेज है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं तो बच्चों इसी तरह हमने आपका जो लेसन है उसे कंप्लीट किया है नाउ आपका क्या काम बनता है कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और आपका जो वर्कबुक है उसे आपको सॉल्व करना है ओके बच्चों थैंक यू